गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और हम लोग हैं रास्ते में, हम लोग निकल गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं मिलफोर्ड साउंड, वहाँ पर हमारा क्रूज़ है। और आज पता है एक बड़ा ही, क्या बताऊँ, हम लोग अभी टाइम से पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको बताती हूँ क्या हुआ। हम ना वो आज अलार्म बजा या नहीं बजा हमें पता नहीं चला, है ना। आज अलार्म बजा नहीं, जब बजा होगा तो हम लोग इतना ज़्यादा थके होंगे तो हम लोग पता ही नहीं चला। और अचानक नींद खुली, इतनी जल्दी हम लोगों ने रेडी हुए ना, इतनी जल्दी तो हम कभी लाइफ में रेडी नहीं हुए। सामान वगैरह पैक करना था, वो तो अच्छा है कि सारे बैग हमने खोले नहीं थे, और छोटे छोटे सामान इतने सारे होते, पर ये अच्छा होता है कि टी टाइम से क्या टी अपने आप ही उठ जाता है ना, टीकी ये भी सोता रहा लेकिन। और पर सबसे आज मजे की बात है, वैसे तो ये अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, ये उठ जाता है। आज ये भी नहीं, आज 5 बजे उठ के बैठ जाता, आज ये भी 5 बजे नहीं उठा, ये भी मस्त सो रहा था। तो हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बुक है, पर ये अच्छा है कि 8:50 नहीं है, 10:30 वाला हमारा बुक है। लेकिन एक ने हमारा ना कल कैंसिल कर दिया। ये फर्स्ट टाइम, मतलब कि आज हमारा सुबह 8:50 का था और उसने हमें कल दोपहर में ईमेल करा, इवन कॉल तक नहीं करी है। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर हम सामने का व्यू पहले दिखाती हूँ फिर बोलती हूँ। पहले व्यू देखो फिर मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ कि किसका बारे में मैं आपको बता रही थी। व्यू को एंजॉय करो, ऐसे ये है जन्नत। लोग नीचे लेफ्ट में लोग नीचे उतरे हैं और वो देखो पिक्चर्स भी ले रहे हैं, कितनी अच्छी पिक्चर्स आ रही होंगी। वाह, तो मैं आपको जो बता रही थी, कल एक क्रूज ने पता नहीं कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसकी वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। और इतनी जल्दी ना, इतने शॉर्ट नोटिस में आपको कुछ मिलता नहीं है, पर हम लोगों को फिर भी कल हम लोगों ने बुक किया तो मिल गया। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, तो अच्छा हुआ हमने 8:50 वाला नहीं 10:30 वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग रुके थे, इसी क्रूज़ के लिए हम रुके थे, क्योंकि इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सुनी है कि आप रास्ते में जाओगे तो आपको व्यूज़ देख लो, ये बादल बोल दो या फॉग बोल दो, हाँ व्यू आपको बहुत अच्छे जो कि मिल भी रहे हैं। जो हमें दूर से क्लाउड दिखते थे ना, हाँ वही है, ये वही सारे नीचे आए हुए हैं। इस तरफ से भी दिखाती हूँ, ये रहा, बहुत सुंदर व्यू है, तो सीनिक व्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो हम लोग फटाफट रेडी हो गए और हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं। और कल हम लोग रुके थे, कल कहाँ रुके थे, एनी ज़ोन मिलफोर्ड में हम रुके हुए थे। बहुत, जहाँ पर हम लोगों ने स्टे करा, जहाँ पर हम लोगों ने स्टे, अरे इतना अच्छा व्यू फिर से आ गया, स्टे करा था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ, व्यू मिस नहीं कर सकती। पूरी तरफ ऐसा लग रहा है कि बादल ही नीचे आ गए हैं और धूप ही है, तो इसे कोहरा तो नहीं बोलेंगे। बहुत सुंदर लग रहा है, क्या ही कोहरा तो नहीं है ना, ऊपर बर्फ भी पड़ी है, बर्फ दिख, हाँ हल्की हल्की यहाँ पर बर्फ भी है। तो वो सामने छोटा वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ पर मिरर लेके इस तरफ अभी ना मिरर लेक आएगी हमारे लेफ्ट में, यार लेफ्ट में, तो आपको मिरर लेक भी दिखाऊंगी। मेरे हो सकता है कि ये रिवर की वजह से जो, ठीक है क्या हुआ, बाहर से दिखाओ तो शायद दिख जाए, नहीं दिख रही है ना, हाँ फोटो इसमें वीडियो में नहीं आ रहा है। तो ये वाली जो रिवर है ना, हमें ऐसे लग रही थी कि रिफ्लेक्शन है, पहाड़ नीचे है और कुछ नहीं है। क्लोज अप में थोड़ा सा पता लग रहा है, देखो ये जो पानी वाला है ना, ये ऐसा लग रहा है नीचे खाई जा रही है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, ऊपर देखो ना, है ना सुंदर, अरे बर्फ पड़ी है ऊपर, हाँ ऊपर बर्फ है। तो रास्ते में ना बहुत अच्छे अच्छे व्यू आते हैं। हाँ रोड कैसी आ रही है, लेफ्ट राइट में देखो, ठीक है पापा पकड़ेंगे, पापा क्या पकड़े, पापा पकड़ ले, ठीक है पापा ने क्या पाँव पकड़े हुए आपके, क्यों मुझे सात फीट होता है लगता है, हाँ पापा मेरे साथ कहाँ है, ठीक ही नहीं दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, अरे वो कहाँ भगे चले जा रहा है, गाड़ी पर खड़ी करके शायद,
वो यहाँ पर वीडियो बना रहा होगा ना। गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना रहा होगा ना। ठीक है, इतने अच्छे सीनिक व्यू आ रहे हैं तो वीडियो तो बनता ही है। गाड़ी नीचे लगा दे पूछ रहा हूँ। गाड़ी नीचे लगा के ठीक है, और उसके बाद फिर उसने भागना शुरू कर दिया। आप भी भागोगे? ठीक है। हाँ, अब काफी सारी दिख रही है बर्फ है काफी। वो कुछ अजीब सी बर्फ लग रही है, पुरानी हो रखी है ना, वो जम गया, वो ग्लेशियर टाइप का है। वो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर सारे पिघल गए ना। तो ना स्पॉट्स में अलग अलग स्पॉट्स पे बर्फ है। वैली में अगर पूरे में बर्फ होती होगी कितना अच्छा लगता होगा ना। इनके साथ जुलाई में होती है ना बर्फ, मेरे को लगता है ना जून जुलाई से इनका थोड़ा सा सीजन रहता होगा, तीन चार महीने बर्फ पड़ने के बाद ऐसे ही थोड़ा चलती होगी। ऊपर है ना, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर ना देखो अभी हम लोग सिग्नल में रुके हैं तो शायद, अरे हाँ ये देखो सामने, अब हम जाएंगे टनल के अंदर। तो बहुत छोटी टनल है लेकिन ये वो उल्लू बैठा है क्या उस पे कैमरे पे? उल्लू इतना छोटा थोड़े होता है। क्या है ग्रीन सा देखो, तो ठीक है देख रहा है। अरे कौन सा पक्षी है ये? सारी की सारी गाड़ी निकल रहा है वहां से, ग्लेशियर ऊपर। तो अब हम जा रहे हैं टनल के अंदर, देखते हैं कि टनल में वैसे कुछ दिखेगा तो है नहीं। लास्ट टाइम भी जब ट्रेन पे हमने राइड की थी तो भी कुछ नहीं दिखा था। रॉकफॉल एरिया, यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, पत्थर गिरने वाला एरिया है ये, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पत्थर गिर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े। एंटर कर दिया टनल में, तो नीचे जा रही टनल तो। हाँ ना, सच्ची में नीचे जा रही है ये तो। ऊपर से पानी भी टपक रहा है टनल में से। टनल से जाने कैसी बनाई है? हाँ पथरीली है, वो कुछ घिसाई वगैरह नहीं करी है इसकी, पत्थरों की वजह से बनाई है टनल, क्योंकि गिरते रहते हैं ना। ठीक है, क्या दिख रहा है? हम कहाँ पर आ गए? टनल में फिर नीचे जाए जा रही है, ऊपर तो है ही नहीं। तो पहाड़ कितना बड़ा होगा, कितनी लंबा टाइम लगा होगा टनल को बनाने में। सही, इसने बनाई होगी मेहनत देखो। कितने मजे आ रहे हैं, कितनी बड़ी टनल है कहीं लिखा था? कोई मेरे को लगता है 1-2 किलोमीटर बड़ी है टनल काफी। इसीलिए टनल बनाई है नहीं? आगे बाहर अच्छा लग रहा है। अब वो रही सामने टनल, पहाड़ों से कैसे बनाई होगी, लेकिन घिसाई कैसे करी होगी पहाड़ों की? लेकिन पूरा पहाड़ नहीं टूटा ना,
था 2 मिनट। सीनिक फ्लाइट्स, हाँ यहाँ पर फ्लाइट चलती है, हेलीकॉप्टर राइड। तो हम लोग बैठ गए हैं और अभी हम मैंने लिए पाए और ब्राउनी। तो हम लोग निकल, हाँ ये तो नहीं है, हो भी सकता है कीवी शायद, पर उसकी वो बहुत जो आगे का वो होता है ना चोंच बहुत लंबी होती है। तो मैंने लिए आज इतने टाइम बाद चाय लाटे जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, और यहाँ पर हमें ना एक कॉफ़ी के अलावा कोई कॉफ़ी भी पसंद नहीं आई, इसमें इतनी ज़्यादा चीनी डाली हुई है ना, और जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से तो क्या बोलूँ। हम जा रहे हैं अपने क्रूज़ की तरफ, इधर है विजिटर टर्मिनल। इंफॉर्मेशन सेंटर के बाद से आप वहाँ पर कैफ़े है, कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हो, खाने पीने के लिए भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी ना 50 मिनट्स की वॉक है, तो यहाँ आने के लिए आपको बहुत टाइम से आना पड़ेगा क्योंकि वॉक तो करनी पड़ेगी, वॉक का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, है ना। तो ये अलग अलग कंपनीज की सारी यहाँ पर क्रूज है। हम लोग खड़े अपने लाइन में सामने, ठीक ही कर रहा है, बाय बाय, ठीक ही करो, बाय बाय, बाय बाय। कौन कौन से भी आएंगे रास्ते में? मैं मिस कर जा रहा हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा, अभी ठीक लग रहा है, बट ठंड है। पहना हुआ ना, अभी लिपस्टिक लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, हाय कर दो, हाय करो, अभी चल रहे हैं, नमस्ते कर दो। हम जाएंगे इसमें सदर्न डिस्कवरी, और हमारा जो कैंसिल किया है वो देखती हूँ मैं कहाँ पर है, तो पीछे भी वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बोट का टाइमिंग भी लगा रखा है, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट बोट का टाइम भी लगा रखा है 11:10 का, और हमसे बोला था कि कोई बोट नहीं चल रही है।